नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष अग्रवाल अपने YouTube चैनल टेक्स्ट डिस्कशन में आपका स्वागत करता हूं। तो गाइज, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा आ चुकी है जुलाई 2020 एग्जामिनेशंस को लेकर। देखिए, बहुत सारे मिक्स्ड ओपिनियंस थे कि जुलाई 2020 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि होने चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनके पास स्टडी एनवायरनमेंट नहीं है, उनके जो बुक्स हैं वो हॉस्टल्स या पीजी में रह चुके हैं, उनके कोर्स कंप्लीट नहीं हुए, उनके रिवीजन क्लासेस नहीं हो पाए, बहुत सारे इश्यूज थे। अब इंस्टीट्यूट ने एक बीच का रास्ता निकाला है, जिसके लिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एक ऑप्शन दिया है ऑप्शन टू ऑप्ट आउट। उन्होंने स्टूडेंट्स को एक ऑप्शन दिया है ऑप्शन टू ऑप्ट आउट, यानी जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे सकते हैं और देना चाहते हैं वो जुलाई 2020 में एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में नहीं हैं कि वो अपने एग्ज़ाम्स को दे पाएँ जुलाई 2020 में, क्योंकि उनके पास बुक्स नहीं है या कोई और वो कंटोनमेंट एरिया में आते हैं, उनके यहाँ सिचुएशंस ऐसी नहीं है कि वो स्टडी कर सके या एग्ज़ाम देने जा पाएंगे, उन स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है कि वो जो ये जुलाई 2020 एग्जाम्स हैं उसको अपना डेफर करा के नवंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल में आ सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आपने अपना जुलाई 2020 एग्जाम्स को ऑप्ट आउट कर दिया, आपने नवंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल को चूज किया, इन दैट केस आपका जो जुलाई 2020 का एग्जाम आप नहीं देंगे वो कैंसल्ड माना जाएगा, और आपकी जो भी एग्जेम्पशन है या जो भी आपका है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जो भी आप एग्जामिनेशन फी ऑलरेडी पे कर चुके हो वो आपके फर्दर जो आप नवंबर 2020 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे उसके साथ एडजस्ट हो जाएगी। तो देखिए क्या कहा कि अगर आप ऑप्ट आउट करते हो और नवंबर साइकिल चूज करते हो तो इन दैट केस जो एग्जामिनेशन फीस है या जो एग्जेम्पशन है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, मतलब कि नवंबर 2020 साइकिल के लिए। और इस अटेम्प्ट को हम मान लेंगे कि एग्जाम कैंसिल हो गया था, मतलब काउंट नहीं होगा। मतलब अच्छी खबर ये है कि ये आपके अटेम्प्ट में नहीं गिना जाएगा, ये माना जाएगा कि इस अटेम्प्ट में कोई एग्जामिनेशन था ही नहीं, और नवंबर 2020 के लिए आपको फ्रेश अप्लाई करना होगा। इन दैट केस आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो जुलाई 2020 में वो एडजस्ट हो जाएगी, और अगर कोई डिफरेंशियल फीस है वो आपको पे करनी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने जुलाई में आपको एक ग्रुप देना था, लेकिन क्योंकि अब आपको ज़्यादा टाइम मिल गया आपने डिसाइड किया कि मैं बोथ ग्रुप्स दूंगा, तो इन दैट केस जो डिफरेंशियल फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। जो ग्रुप वन की फीस आप ऑलरेडी पे कर चुके हो जुलाई अटेम्प्ट के लिए फॉर्म भरते टाइम, वो फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी। बाकी जो भी रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑप्ट आउट नहीं कर रहे, मतलब वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं 29 जुलाई से जो एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं उन एग्ज़ाम्स में अपीयर होना चाहते हैं, उसके लिए जो इंस्टीट्यूट है वो नेसेसरी अरेंजमेंट्स करेगा ताकि स्मूथ कंडक्ट हो सके एग्जामिनेशन। जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग वगैरह, जो भी प्रिकॉशंस सजेस्टेड हैं गाइडलाइंस के थ्रू, वो सारे फॉलो किए जाएंगे। लेकिन स्टिल इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है, इंस्टीट्यूट कह रहा है कि जो सिचुएशन है इस कोविड केसेस की, एमएचए की जो गाइडलाइंस हैं उन सबको इंस्टीट्यूट एनालाइज करेगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक, एंड उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टेटस अकॉर्डिंगली इंटीमेट किया जाएगा कि एग्जाम्स किस तरीके से होंगे, एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। मतलब कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट अपनी इंटेंशन को क्लियरली बता रहा है स्टूडेंट्स को कि वो आपकी जान को खतरे में डाल के एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराएगा। उन्होंने शायद ये बीच का रास्ता इसलिए निकाला है क्योंकि इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स के मन में एक बहुत ज़्यादा डर था, एक बहुत ज़्यादा टेंशन थी, पैनिक में थे स्टूडेंट्स कि आखिर क्या होगा, क्योंकि कुछ लोगों के पास पढ़ने के लिए बुक्स नहीं है, जो भी चीज़ें हैं। तो उस चीज़ के लिए इंस्टीट्यूट ने कहा है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो ऑप्ट आउट कर सकते हो, नवंबर में एग्जाम दे सकते हो, हम आपका टाइम काउंट नहीं करेंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाहते हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, इंस्टीट्यूट अगर प्रैक्टिकल पॉसिबल होगा तभी एग्जाम कंडक्ट कराएगा एज पर द गवर्नमेंट एडवाइजरी। जो स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना चाहते हैं उनके लिए एग्जाम ICAExam.ICAI.org पे वो अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ऑप्ट आउट की फैसिलिटी क्या है, अच्छा उससे पहले वो ये कह रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट ओल्ड कोर्स है उसको इन्होंने एक अटेम्प्ट और बढ़ा दिया है। मतलब अब आप अगर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल चूज करते हो तो अभी जो IPCC ओल्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो अटेम्प्ट दे पाएंगे, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। यानी नवंबर 2020 तक भी आप अपना ओल्ड कोर्स वाले बच्चे जो हैं IPCC के वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
फिर कहते हैं कि ऑप्ट आउट की फैसिलिटी क्या रहेगी, प्रोसीजर क्या रहेगा, तो आपको एक डिक्लेरेशन ऑनलाइन जो अवेलेबल है icieexam.ici.org पे, वो ऑनलाइन डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी कि आप ऑप्ट आउट कर रहे हो, जो कि 17th जून 2020 से स्टार्ट होगी और आप उसे 20th जून तक भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही आप डिक्लेरेशन सबमिट कर देंगे तो जो कैंडिडेचर है स्टूडेंट का, वो मई 2020 एग्जामिनेशन साइकिल से कैंसिल हो जाएगा और उसे नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल मतलब नवंबर 2020 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। काइंडली नोट दैट अगर आपने एक बार ऑप्ट आउट ले लिया तो वो फाइनल माना जाएगा, उसके बाद कोई और सर्कमस्टांस में आपकी रिक्वेस्ट को चेंज नहीं किया जा सकता। सो प्लीज़ गाइज, जैसा कि इंस्टीट्यूट ने भी क्लियर किया है कि वो आपकी जान को खतरे में डाल के एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराएगा, और अब ऑप्ट आउट का भी ऑप्शन आ गया है, तो जो स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं है या जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उनके लिए जा पाना, क्योंकि उनके होम सेंटर नहीं पड़ते, उन्हें कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके एग्जाम देना पड़ता है, तो पब्लिक कन्वीनियंस से जाना थोड़ा सा रिस्की है, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना ऑप्ट आउट चूज करके नवंबर साइकिल भी अपना आराम से नवंबर साइकिल में एग्जाम दे सकते हैं। बाकी जिन स्टूडेंट्स का होम सेंटर पड़ता है एंड दे आर गुड एट देयर प्रिपरेशंस, उनके पास बुक्स वगैरह हैं, स्टडी एनवायरनमेंट है, तो वो जुलाई अटेम्प्ट भी दे सकते हैं, कंसिडरिंग द कोविड सिचुएशन, वो आपका अपना डिसीजन होगा डेफिनेटली, बट इंस्टीट्यूट भी एग्जाम तभी कंडक्ट कराएगा जबकि इट वुड बी प्रैक्टिकेबल पॉसिबल टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन। सो इट्स जस्ट माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज 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 फोकस ऑन योर स्टडी विदाउट हैविंग एनी पैनिक, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अपनी इंटेंशन बहुत ही हद तक साफ कर दी है कि वो स्टूडेंट्स की जान को खतरे में डाल के एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराएगा। सो गाइज, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल इन द एग्जामिनेशन एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।